हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन क्लासवर्क क्वेश्चंस का शीट डिस्कशन जिसका पीडीएफ लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है तो आज हम शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर ट्वेंटी से एग्जांपल ट्वेंटी है स्ट्रिंग ब्रिक्स अंडर अ लोड ऑफ़ फिफ्टी के मतलब मैक्सिमम वो कितना मास बियर कर सकता है स्ट्रिंग फिफ्टी के आगे लिखा है मास ऑफ वन के इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग थ टेन मीटर लॉन्ग एंड इज रोटेटेड इनटल सर्कल कैलकुलेट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दट मास बोला गया है लेट से कोई एक स्ट्रिंग है यहाँ पे हम बोल देते हैं ये लेट से इसको ना, फिक्स किया गया है और यहाँ पे बोला गया है इस स्ट्रिंग के एक एंड पे आपने क्या अटैच कर रखा है एक सपोज मास अटैच किया हुआ है लेट से ये अपना एक मास हो गया स्ट्रिंग के एक एंड से अटैच किया गया है, और जो मैक्सिमम मास ये स्ट्रिंग पे लगाया जा सकता है वो मास दिया हुआ है लेट से 50 के का इस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 के का मास हैंग किया जा सकता है मतलब जो ब्रेकिंग टेंशन हम कहें वो हो जाएगा लेट से 500 न्यूटन तो ब्रेकिंग टेंशन इस स्ट्रिंग का 500 हंड्रेड न्यूटन कहा जा सकता है अब लिखा है मास ऑफ वन के जी इज अटैच से टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर तो ये स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर करके अब इससे एक वन के जी का मास एक एंड पे हैंग किया गया है रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल और इस स्ट्रिंग को हमने कैसे सर्कल में रोटेट किया है लेट से एक हॉराइजेंटल सर्कल में रोटेट किया है कैलकुलेट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कितना लेट से कितना एंगल घूमा होगा डेट द मास कैन मेक इन वन सेकेंड है ना एक सेकेंड में कितना घूमा होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किए होंगे विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग मतलब जो इसमें ब्रेकिंग टेंशन अगर लग जाए मतलब हम कहें कि यहाँ पे जो टेंशन है वो टेंशन आपका वो ब्रेकिंग टेंशन 500 न्यूटन हो जाए अब तो उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा निकाला जाए और यहाँ पे एंगल हम बात करें तो ये आपका कोनिकल पेंडुलम वाला सिचुएशन हो गया तो ये एंगल हम कह सकते हैं हमारा बन जाएगा थीटा तो ये एंगल भी हमारे पास आएगा निकल के थीटा लेट से अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे एक आएगा हॉराइजेंटल एक आएगा वर्टिकल तो y कंपोनेंट टेंशन का बन जाएगा टी cos थीटा और एक्स कंपोनेंट टेंशन का बन जाएगा हमारा टी साइन थीटा और बाहर की तरफ लगेगा इसका सेंट्री फ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर और नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट दैट इज एम इंटू जी कहा जा सकता है तो यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखने जाऊँ फोर्स बैलेंस करते हुए तो पहला इक्वेशन मेरा बन जाएगा टी साइन थीटा जो है वो बन गया एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आर जो हो गया इसका सर्कुलर जो ये कोनिकल पेंडुलम में जो सर्कल घूमेगा उस सर्कल का रेडियस एंड सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं टी कॉस्ट थीटा मेरे पास आ जाएगा एम जी मुझे यहाँ थीटा इंटरेस्टेड नहीं है मुझे यहाँ टेंशन पता है 500 न्यूटन इसको यूज करना है तो ये जो दो इक्वेशंस मुझे दिख रही है इन दो इक्वेशंस का यूज़ किया जाए मैं इक्वेशन नंबर वन को उठाता हूँ दैट इज मेरा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इस इक्वेशन को उठाया जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ अगर देखें स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है एल करके इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दिखाया जाए तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम देख सकते हैं ये लेंथ गिवन है टेन मीटर ये रेडियस आर और ये एंगल हमारा थीटा तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये रेडियस हो गया परपेंडिकुलर 90 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया आइपोटीनियस तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड एल तो यहां से आर की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी एल साइन थीटा इस आर को यहाँ पे अगर पुट करता हूँ एल साइन थीटा में तो यहाँ पे आया टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम उमेगा स्क्वायर और आर की जगह हम लिख देते हैं सपोज एल साइन थीटा अब सिंप्लीफाई करते हैं थीटा हमें चाहिए नहीं ना थीटा का कोई यूज भी नहीं है तो थीटा एलिमिनेट करना है ओमेगा आएगा तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो ओमेगा आ जाएगा तो हमारे पास टाइम पता है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी से आपका थीटा आ जाएगा चलिए तो यहाँ से रिलेशन आया टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल तो ओमेगा यहाँ से लिखा जा सकता है रूट अंडर टेंशन डिवाइडेड बाय एम इंटू एल अब वैल्यू पुट करते हैं टेंशन हमारे पास 500 न्यूटन हमने निकाला डिवाइडेड बाय मास ऑफ द लेट से जो वेट हैंग किया गया वन के जी और लेंथ है आपका टेन करके तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओमेगा को हम लिख सकते हैं थीटा बाई टी और नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन बोला है तो एक रिवॉल्यूशन में टू पाई होगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लेट से एन हो गया डिवाइडेड बाई टाइम बोला गया है वन सेकेंड तो यहाँ पे टी की जगह वन सेकेंड रख दिया जाए तो यहाँ से मेरे पास आ गया रूट अंडर फिफ्टी करके तो यहाँ से देखा जाए n की वैल्यू मेरे पास आ गई root under 50 का मतलब 5 root under 2 divided by 2 pi ऐसे सिंपलिफाई करें तो 5 into 1.4 is 7 divided by 2 into 3.14 लेट से तो 7 by 6. समथिंग इज 1 तो हम बोल सकते हैं 1. समथिंग आएगा तो ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा ये पार्टिकल है ना विदाउट ब्रेकिंग हम बोल सकते हैं वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाएगा तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी में था आपको लेट से एक ना स्ट्रिंग है जो ब्रेक करता है अंडर 50 के जी मास मतलब मैक्सिमम जो इस पे मास हैंग किया जा सकता है डेट इज ऑफ 50 के जी तो ब्रेकिंग टेंशन आपका इसका 500 न्यूटन आ गया स्ट्रिंग का अब बोला गया है इसे अटैच किया गया एक वन के जी मास से जिसे घुमाया जा रहा है एक हॉराइजेंटल सर्कल में और स्ट्रिंग का टोटल लेंथ है मीटर करके दिया हुआ है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना घूम सकता है इन वन सेकेंड विदाउट ब्रेकिंग पूछा गया है तो लेट से हराइजेंटल सर्कल में घूमेगा तो कोनिकल पेंडुलम जैसा सिचुएशन अब ये जो टेंशन होगा इस टेंशन का एक कंपोनेंट टी टीकोस थीटा इसके वेट एम जी को बैलेंस करेगा ये रहा इक्वेशन और एक इक्वेशन टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस करेगा अब यहाँ पे देखा जाए आर निकालते हैं दैट इज रेडियस इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा तो ये ट्राइंगल अगर दिखाऊं आपको आर एल और थीटा वाला ये ट्राइंगल तो ये एल हो गया ये रेडियस आर है और ये जो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा हो गया साइन थीटा आर वाई एल बाय हाइपोटेनियस यहाँ से आर निकल के आया एल साइन थीटा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर में आर की जगह एल साइन थीटा ये साइंस थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट तो यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर एल मेरे पास आ गया टेंशन यहाँ से ओमेगा टी बाय का रूट अंडर ब्रेकिंग टेंशन था रूट अंडर फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन इन टू टेन दैट इज रूट फिफ्टी तो ये निकल के आया फाइव रूट टू बाई टू पाई इतना रिवॉल्यूशन करेगा एक सेकेंड में ना अप्रॉक्सीमेटली वन रिवॉल्यूशन के आसपास आ जाता है तो ये था ट्वेंटी आई गेस समझ आया यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आते हैं बॉय अ स्टोन इन अ हॉराइजेंटल सर्कल ऑफ रेडियस टू मीटर तो लेट्स से टू मीटर रेडियस में बॉय सर्कल घुमा रहा है कोनिकल पेंडुलम सिचुएशन है एट हाइट ऑफ 4.9 मीटर अब द ग्राउंड द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉराइजेंटली एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट विच इज टेन मीटर अवे जिस पॉइंट पे ये स्टोन प्रोजेक्टाइल पाथ करके लैंड करता है वो डिस्टेंस रेंज दिया हुआ है टेन मीटर और उस प्रोजेक्टाइल की हाइट है 4.9 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिलो द पॉइंट वेर द स्ट्रिंग हड ब्रोकन जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग टूटी उसके डायरेक्टली है ना वर्टिकली बिलो से कितना डिस्टेंस जाके दूर गिरा 10 मीटर पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हम जानते हैं इज इक्वल टू v2 r लिखा जा सकता है या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखा जा सकता है रेडियस तो हमें पता है रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में एज टू मीटर हमें बस वी या ओमेगा निकालना है तो प्रोजेक्टाइल पाथ में अगर देखें ये पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल करेगा इस प्रोजेक्टाइल वाले पाथ की इस वेलोसिटी हमें चेकआउट करनी है तो हमें पता है कि ये पार्टिकल लेट से कितना डिस्टेंस ना हाइट ट्रैवल करने वाला है 4.9 मीटर और रेंज दिया हुआ है 10 मीटर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें पता है y डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड जीरो है पता है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं y डायरेक्शन के लिए लिखने जाऊँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वहां से मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है माइनस फोर पॉइंट नाइन वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो है क्योंकि जो भी वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन के है फिर हाफ ऑफ वाई डायरेक्शन में एक्सिलरेशन माइनस जी और जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 लेते हैं क्योंकि 4.9 दिख रहा है यहाँ से टी स्क्वायर तो यहाँ पे देख सकता हूँ टू इसे है ना आपको कैंसिल करेगा 4.9 आएगा तो 4.9 इस 4.9 से कैंसिल आउट करके यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई वन दैट इज यहाँ से बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास निकल के आया वन सेकेंड अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो हमें रेंज पता है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल तो अब एक्स डायरेक्शन के लिए लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ पे बन गया हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज प्लस आर इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी और टाइम हमने यहाँ निकाला हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट वन सेकेंड एक्स डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन जीरो होता है तो टेन इज इक्वल टू वी इन टू टी टी की वैल्यू वन निकाली है तो v की वैल्यू निकल के आई टेन मीटर पर सेकेंड यहाँ पे v अगर रख दिया जाए टेन तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ गया इज इक्वल टू टेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस इज टू तो हंड्रेड बाई टू मेरे पास आया सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एज फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा फाइनल आंसर हो गया लेट्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलिए क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था एक बॉर्ड है ना बॉय लेट से पार्टिकल घुमा रहा है अटैच टू अंग इन अ कॉनिकल पेंडुलम हॉरा सर्कल में ऑफ रेडियस टू मीटर इस पोजिशन पे जाके स्ट्रिंग टूटती है और एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके यहाँ जाके लैंड करती है विच इज एट अ डिस्टेंस 10 मीटर और ये वर्टिकल डिस्टेंस है 4.9 मीटर अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पूछा था जब लैंड करती है क्योंकि ये आपका कोनिकल पेंडुलम जो है वो आपका कोनिकल पेंडुलम हमने पढ़ा हुआ है कोनिकल पेंडुलम जो है आपका यूसीएम वाला सिचुएशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वहाँ पे पार्टिकल की स्पीड आउट द मोशन कॉन्स्टेंट होती है तो यूसीएम होने के कारण हम बोल सकते हैं सभी पॉइंट पे स्पीड हमारी सेम ही रहेगी दैट इज आपकी ये जो स्पीड रहेगी इस पॉइंट पे भी जब ये लेट से टूटा होगा तो ये थ्रू आउट सर्कुलर मोशन सेम रहेगी तो बस पूछा गया है है ना सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय अब वी निकालते हैं वी के लिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस फोर पॉइंट नाइन वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस नाइन पॉइंट एट यहाँ से टी निकाला गया वन सेकेंड आया अब वो वन सेकेंड यहाँ पुट कर दिया जाए एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो रेंज है दस मीटर टाइम है वन यहाँ से टेन मीटर पर सेकेंड पुट करके यहाँ से हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया यह ट्वेंटी वन आई गेस समझ आया यहाँ तक स्क्रीन शॉट लो नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल ट्वेंटी टू लिखा हैल बॉल ऑफ रेडियस आर ये एक हेमिसफेयर बाउल है रेडियस आर दिया है इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेक्सेस ऑफ सिमेट्री विच इज केप्ट वर्टिकल तो इस टाइप का एक हेमिसफेयर बाउल है जिसका रेडियस आर है और वो इस आपके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है एक है ना लेट से सर्कल में ओमेगा एंगुलर स्पीड से अ स्मॉल बॉल केप्ट इन द बाउल रोटेट्स विद द बाउल विदाउट स्लिपिंग ऑन इट स्मूथ सर्फेस तो ये एक बॉल है ये रोटेट कर रहा है ना इस बाउल के साथ से सेम एंगुलर स्पीड से बिना स्लिप किए हुए एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल इज अल्फा और जो ये रेडियस वेक्टर ना इस लेट्स से जो पार्टिकल है बॉल से पास होते हुए वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बॉल इज रोटेटिंग मतलब हम कह सकते हैं ये सिस्टम आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम में बना हुआ है और डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी मोशन में है उसके बाद यहाँ पे क्या सिचुएशन बना हुआ है आपका नेट फोर्स जीरो वाला सिचुएशन बना हुआ है तो चलिए इस फोर्स के अगर हम एनालाइज करें इस पे कौन से कौन से पार्टिकल पे फोर्स लगेंगे तो यहाँ पे कहा जा सकता है इस डायरेक्शन में ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा नेक्स्ट इस डायरेक्शन में हमें नॉर्मल गिवन है एन नीचे के डायरेक्शन में एम हम जानते हैं लगेगा अब यहाँ पे अगर मैं इसके सर्कुलर पाथ की बात करूँ ये पार्टिकल अगर घूमेगा तो कुछ इस सर्कल में घूमेगा और इस सर्कल में घूमेगा तो हमने सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में हमने बोला था फोर्स को एनालाइज करके जो भी फोर्स होगा वो दो डायरेक्शन में रिजोल्व करना है एक परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड एक अलोंग द रेडियस तो यहाँ बाहर की तरफ एंगुलर स्पीड ये भी ओमेगा से घूमेगा तो ये लिखा जा सकता है एम ओमेगा स्क्वायर आर अब यहाँ पे इस फोर्स को रिजोल्व करूँ अगर तो ऊपर के डायरेक्शन में इस नॉर्मल का कंपोनेंट आ गया एन का कॉस अल्फा और इस हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ये कंपोनेंट आ गया निकल के एन का साइन अल्फ़ा अब बैलेंस किया जाए फोर्सेस को तो यहाँ से लिख सकते हैं एन साइन अल्फा हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ये बैलेंस करेगा मेरा एम ओमेगा स्क्वायर आर को और उसी तरह से वर्टिकल में कॉस अल्फा मेरा बैलेंस करेगा यहां पे इसके वेट हम बोल सकते हैं एम जी को मुझसे पूछा गया एंगुलर स्पीड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा नॉर्मल हमें नहीं चाहिए तो हमने दोनों इक्वेशन डिवाइड कर डाली डिवाइड करते हैं हम देखेंगे साइन अल्फा बाय अल्फा कम्स आउट टू बी टैन अल्फा मास से मास कैंसल हो जाता है तो ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जी वन क्या यहाँ पे हमें ओमेगा जो निकल के आएगा वो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा लेट से जी टैन अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्मॉल आर क्या है जिस सर्कल में ये पार्टिकल घूमेगा ये रेडियस आर पर ये रेडियस आर क्वेश्चन में नहीं दिया हमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल आर कैपिटल आर क्या है उस हेमिस्फेयर का रेडियस है जो गिवन है तो अगर ये ट्राइंगल अगर हम बनाए तो इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं ये एंगल अल्फ़ा गिवन है ये रेडियस आर हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये रेडियस आपका स्मॉल आर हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेट से आपका यहाँ पे बन के आएगा इस अल्फा के ये आ गया परपेंडिकुलर 90 के कैपिटल नाइनटी तो साइन अल्फा लिखा जा सकता है स्मॉल आर बाय कैपिटल आर तो कैपिटल आर के टर्म में अगर लिखने जाऊं तो स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई आर साइन अल्फा तो यहां से सिंप्लीफिकेशन पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी और टेन अल्फा को मैं लिख देता हूँ साइन बाय कॉस क्योंकि ये जो स्मॉल आर है डिनोमिनेटर में ये मेरे पास निकल के आया है इन टर्म्स ऑफ आर साइन अल्फा तो यहाँ सिंपलीफाई करें तो यहाँ साइन अल्फा से ये साइन अल्फा कैंसिल हो गया तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई रूट अंडर जी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आ गया आर का कॉस अल्फा तो यहाँ से हमारा ओमेगा एंगुलर स्पीड इस पार्टिकल का निकल के आया जी डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फा चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं क्वेश्चन है आपका एक हेमिसफेयर बाउल है जिसका रेडियस आर है इस पर एक पार्टिकल रखा गया ये पार्टिकल भी उसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से पर उसका जो रेडियस होगा जिस सर्कल में वो पार्टिकल घूमेगा उसका रेडियस छोटा आर करके गिवन है जो ये एंगल अल्फ़ा दिखा रहा है इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा नीचे के डायरेक्शन में एम लगेगा और अगर हम फोर्स रिजोल्व करें दो डायरेक्शन के अलॉन्ग बोला जाता है एक अलॉन्ग द रेडियस लाइन और एक पोपेंडिकुलर टू रेडियस लाइन अब इस n का ये एंगल अल्फ़ा तो ये n का ये कंपोनेंट आया n cos अल्फ़ा और ये कंपोनेंट हो गया n sin अल्फा या n sin अल्फ़ा m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस करेगा और आपका n cos अल्फा mg को बैलेंस करेगा अब यहाँ पर अल्फा डिवाइड करें क्योंकि ओमेगा हमें पता करना है एन नहीं चाहिए डिवाइड करते टेन अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर बाय जी आया पर स्मॉल आर नहीं पता हमें कैपिटल आर पता है और अल्फ़ा पता है तो उसके टर्म में निकालना है तो इस ट्राइंगल को अगर देखें तो इस ट्राइंगल में ये अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर इसको यहाँ बनाते हुए साइन अल्फा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर स्मॉल आर आया आर साइन अल्फा स्मॉल आर की जगह आर साइन अल्फा और इस टैन अल्फा की जगह साइन बाय कॉस ये साइन से साइन कैंसल्स आउट जी डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फा व्हिच चीज योर फाइनल आंसर समझ आए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो